विद्यार्थी पालक और शिक्षक वर्ग को नमस्कार। मैं संत जोसेफ विद्यालय में कार्यरत हूँ और मैं हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम प्रतिभा केसरी। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ और मैं एक संस्कृत श्लोक के साथ मेरे पाठ की शुरुआत करती हूँ। ओम अस्तमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमगमय। तो आज का मैं विषय लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का संज्ञा या नाम। इसके पहले आठवीं में आपने पढ़ा है, आठवीं में एक से सौ तक गिनती पढ़ चुके आप। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन बहुवचन और उसके बाद वाक्य बनाना शब्द के अर्थ विलोम शब्द पढ़ना सब कुछ आप सीख चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़े आप, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अभी आपकी ये किताब है हिंदी बल्लभी किताब है और हिंदी बल्लभी किताब में टोटल 17 पाठ है और 17 पाठ में 6 कविता और 11 पाठ है और इसमें पेज नंबर 1 लिखा लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों आप हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिए, कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाना तो आप लिख लीजिए और अंत में आपको मत दिया जाएगा और आप व्याकरण कॉपी में जरूर लिखिएगा। जब भी आप स्कूल आएंगे ना तो बता दीजिए। अगर आपको कोई भी कमेंट या कोई भी समस्या हो तो आप फोन पर बात कर सकते हो। तो आज पेज नंबर लिखा लिया हिंदी मतलब जैसे पेज नंबर 1 लिखा लिया और पेज नंबर 1 में तीसरा प्रश्न है संज्ञा के भेद बताइए। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है संज्ञा या नाम। संज्ञा या नाम व्याकरण का एक भाग है और कोई भी भाषा सीखने के लिए व्याकरण जरूरी है। व्याकरण के बिना कोई भाषा शुद्ध बात नहीं कर सकता और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और परीक्षा में व्याकरण से संबंधित 30 या 35 मार्क्स के अंक के क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए उसे हल करके आप क्या हो सकते हैं परीक्षा में अच्छा अंक पा सकते हैं। उसी तरह अशुद्ध बात करने के कोई भी भाषा रहने दो, अंग्रेजी कन्नड़ा या हिंदी, तो कोई भी भाषा में बात करने के लिए सबसे पहले आपको व्याकरण सीखना है। और वैसे तो पता है आज का भाग कौन सा है संज्ञा या नाम। तो व्याकरण के लिए टोटल 8 भाग है और 8 भागों के नाम पहले आपको बता दूं मैं। नाम या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये टोटल कितने प्रकार है बच्चों? 8 प्रकार है और 8 प्रकार और एक बार सुनिए आप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। और उसमें का पहला भाग मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ और उस भाग का नाम है संज्ञा या नाम। तो उसे कन्नड़ा में नाम पद कहा जाता है और अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना जरूरी है संज्ञा या नाम किसे कहा जाता है। तो बच्चों आपको तो पता है हर एक व्यक्ति को नाम रहता है, मेरा नाम है, आपका नाम है, मतलब हर एक चीज को नाम है, मतलब किसी भी कोई को नाम नहीं है और हर एक वस्तु को, हर एक चीज को, हर एक प्राणी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक स्थान को एक नाम है। और ये संज्ञा की परिभाषा इस तरह दे सकते आप, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जाति का नाम, किसी समूह का नाम, किसी द्रव्य का नाम या किसी भाव के नाम को संज्ञा या नाम कहा जाता है। और एक बार सुनिए बच्चों संज्ञा या नाम किसे कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जाति का नाम, समूह का नाम, द्रव्य का नाम या भाव के नाम को संज्ञा या नाम कहा जाता है। तो संज्ञा के परिभाषा आपने देखी और इसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपका नाम आता है और उसके बाद प्राणी का नाम आता है, उसके बाद किसी शहर का नाम आता है, देश का नाम आता है, भाषा का नाम आता है, नदी का नाम आता है, मतलब आपकी किताब का नाम, हिंदी बल्लभी किताब का नाम आ सकता है या फिर तो इस तरह बहुत सारे किसी भी नाम को नाम है संज्ञा का। तो संज्ञा के 5 प्रकार है, तो 5 प्रकारों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं सबसे पहले देखिए आप। तो 5 प्रकारों के नाम यहाँ दिए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देखेंगे हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो इस स्वाध्याय के प्रकार के नाम से पता चलता है इसमें व्यक्ति का नाम आता है, प्रॉपर नाम, तो इसे अध्यक्ष में प्रॉपर नाम कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का विशेष नाम, किसी स्थान का विशेष नाम या किसी प्राणी का विशेष नाम आता है तो उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसके उदाहरण दे सकते हैं राम वन जा रहा है, इसमें राम तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं संत जैसे पाठशाला में पढ़ता हूँ, तो इसमें मामूली पाठशाला बोलने के बाद क्या हो जाता है, इसमें कोई विशेष नाम है क्या, नहीं है। लेकिन संत जोसेफ पाठशाला, गुरु नानक पाठशाला, शाकिन पाठशाला अगर आप बोलेंगे ना तो क्या बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बीदर शहर में रहता हूँ, आगरा ऐतिहासिक शहर है, ताजमहल आगरा में है, चार मीनार हैदराबाद में है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। क्योंकि इसमें एक विशेष नाम रहता है, खास नाम रहता है और खास नाम से ही सब लोग पहचानते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसमें आपका नाम आता है, नदियों के नाम आते हैं, किताबों के नाम आते हैं, महाभारत रामायण, इसके बाद कावेरी गंगा कृष्णा गोदावरी, इसके बाद हिमालय पर्वत और उसके बाद भाषाओं के नाम, उसके बाद राज्यों के नाम, देशों के नाम। तो ये जो भी नाम है, विशेष नाम है, खास नाम है, तो ये इसमें आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का दूसरा प्रकार सुनिए। तो इसके पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा आपने बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है और मतलब उसके उदाहरण भी आप सुन चुके हैं। तो अभी दूसरा आप देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तो जिस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का विशेष नाम रहता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में विशेष नाम नहीं रहता, इसमें सामान्य नाम यानी मतलब कॉमन नाम। तो सामान्य नाम में कोई खास बात नहीं रहती, देखो एक प्राणी है, लेकिन प्राणी बोलने के बाद उसमें कोई खास नाम है क्या, आपको नाम सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह जातिवाचक संज्ञा में कोई भी प्राणी, कोई वस्तु, स्थान, मतलब एक ही जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुत्ता जा रहा है तो कुत्ता, सारे के सारे कुत्ते उसमें आ जाते हैं, लेकिन कुत्ते का अगर नाम आपने रखा, तो नाम उसमें आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नाम ही नहीं है, सामान्य रूप से आप बोलने जा रहे हैं, तो वो किसमें आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा। हिरण दौड़ रहा है, जंगल में हाथी है, तो यहाँ पर मतलब जंगल मतलब सारे के सारे जंगल, हाथी मतलब सारे के सारे हाथी, हिरण मतलब सारे के सारे हिरण। तो बालक खेल रहा है, तो बालक का कोई नाम है क्या, यहाँ पर नहीं है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बालक, सारे के सारे जाति के बालक इसमें आ जाते हैं। तो मानव, तो सारे के सारे मानव इसमें आ जाते हैं, लेकिन उसी में अगर मानव का अगर नाम है तो वो किसमें आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको फर्क मालूम हो गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का खास विशेष नाम रहता है और जातिवाचक में नाम नहीं रहता, तो सामान्य नाम रहता है। तो ये संज्ञा के दो उदाहरण आप देख चुके हैं। अभी संज्ञा का तीसरा उदाहरण है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य से, द्रव्य इस नाम से पता चलता है, द्रव्य मतलब लिक्विड, इसमें सारे के सारे द्रव्य पदार्थों का नाम आता है, जैसे दूध चाय पानी, दूध चाय पानी, केरोसिन, पेट्रोल, औषधि वगैरह, ये जो लिक्विड्स है, कोको कोला वगैरह, ये जो लिक्विड्स है, ये द्रव्य पदार्थ है, सारे के सारे द्रव्य पदार्थ किसमें आ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हो गया संज्ञा का तीसरा प्रकार। तो बच्चों और एक चौथा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, इसकी परिभाषा सुनिए, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का पता चलता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का पता चलता है तो उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, बचपन प्यारा होता है, तो बचपन बोलने के बाद एक बच्चे का चित्र आता है आपके सामने, तो बुढ़ापा अभिशाप है, तो बुढ़ापा बोलने के बाद एक बूढ़े का चित्र आपके सामने आ जाता है, मतलब उसके गुण का पता चलता है। तो शक्कर में मिठास होती है, तो जब आप शक्कर टेस्ट करते हैं, शक्कर जब खाते हैं तो कैसी लगती है आपको, मीठी लगती है ना। तो उसी तरह इमली में खटास होती है, तो इमली का गुण धर्म क्या है, मतलब खट्टी है। तो इस तरह नींबू में खटास होती है, नमक नमकीन होता है, यानी मतलब नमक जब भी टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट कैसा रहता है, नमकीन रहता है। तो उसी तरह उसके गुण का, उसके भाव का जब पता चलता है तो उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। तो यह हुआ संज्ञा का चौथा प्रकार। और उसके बाद संज्ञा का और एक अंतिम प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, एक समूह को नाम दिया जाता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं,
रास्ते पर भीड़ जमा हो गई, एक व्यक्ति है क्या वहां पर? नहीं ना, तो बहुत सारे ज्यादा व्यक्ति है, तो उसे क्या करना है? भीड़। और उसके बाद आकाश में पक्षियों की कतार उड़ रही है, एक पक्षी है वहां पर? बहुत सारे पक्षी है। उसी तरह चींटियों की कतार जा रही है। देखो अगर मेरे पास एक किताब है तो एक किताब है बोलते हैं, अगर ज्यादा किताब है तो मेरे पास किताबों का बंडल है, मेरे पास चाबियों का गुच्छा है, मेरे पास नोटों का बंडल है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। तो बच्चों ने मतलब आपने देखा सऊदियाँ किसे कहते हैं, और सऊदियाँ के पांच प्रकार मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, आज के बाद आप जरूर होमवर्क कीजिए और आपके कॉपी में ये सऊदियाँ और सऊदियाँ की परिभाषा लिखकर उसके पांच प्रकारों के पांच पांच उदाहरण लिखिए। आप घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार के साथ बातचीत रहिए। लेकिन थोड़ा वक्त पढ़ाई के लिए निकालिए, और बहुत जल्द हम आपसे और एक वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। आपसे विदा लेती हूँ।